हंसी के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के द्वारा जो पुनरुत्थान के बाद जो प्रभु ने बातें कही, हम उनको धीरे धीरे करके देखते जा रहे हैं। और जो है लगभग हमारे 39वां ये एपिसोड है। कल परसों जो है 40 दिन बाद जो है प्रभु स्वर्ग पे उठा लिए गए थे, लेकिन जो शिक्षाएं हैं वो हमारी इसके आगे भी चलती रहेंगी। और कलिसिया में पुनरुत्थान को लेकर के जो है जो बातें कही गई है वे भी हम जो है आगे अध्ययन पे रखेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण चीज फिर से प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कही, जिसका वर्णन मत्ती रची सुसमाचार 28वां अध्याय 20वीं आयत। सो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें, मत्ती रची सुसमाचार 28वां अध्याय 20वीं आयत की 20वीं आयत में पढ़ रहा हूं। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। किसने कहा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कब तक? जगत के अंत तक। जगत के अंत तक मैं। कब? संडे? नहीं, प्रभु ने कहा सदैव 24 आवर्स, 24x7। जैसा जो है हमारे हृदय की धड़कन चलती ना, 1 मिनट में 70 मिनट, फेफड़ों की श्वास चलती 1 मिनट में 16, वैसे ही उससे भी नजदीक स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने स्वयं कहा सदैव। सो जगत के अंत तक नंबर 1, सदैव नंबर 2, नंबर 3 मैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह, चौथी चीज तुम्हारे संग जगत के अंत तक मैं स्वयं सदैव तुम्हारे संग। क्या चाहिए? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये प्रतिज्ञा करते हैं, कोई और नहीं। हमारे सिर परमेश्वर के कारण घमंड से ऊंचे हैं, किसी स्वर्गदूत को, जिब्राइल को या मिकाइल को नहीं, किसी चर्च को नहीं, किसी संस्था को नहीं, किसी बड़े लीडर को नहीं। क्या कहा? मैं स्वयं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। दुनिया छोड़ जाए, अपने स्वयं धोखा दे दे, अपने स्वयं के सगे धोखा दे दे, कोई धोखा नहीं देगा तो वह है स्वयं परमेश्वर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती, वैसे मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। उकाब पक्षियों के नहीं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारे चित्रों को मैंने अपनी हथेलियों पे खोद के रखा है, तुम्हें अंगूठियों के मानिंद पहन के रखा है, तुम्हारे सिर के बाल बिगिने में, और जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू ली। किसने कहा? किसने कहा?
स्वयं परमेश्वर ने, स्वयं पर। और वो बोलते हैं मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, इससे बड़ा और कुछ अचीवमेंट नहीं, किसी और पे भरोसा नहीं, सिर्फ परमेश्वर पे। अपने छोड़ दें, लेकिन कौन नहीं छोड़ेगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल इस बारे में और क्या बताती, आज मेरे साथ अध्ययन कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये जो प्रॉमिस है वो कोई और कहता तो शायद हमें भरोसा नहीं होता, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद ये किया कि मैं स्वयं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारे संग। और ये प्रभु की जो प्रतिज्ञा है हमारे जीवन का आधार है, पकड़ के रखिए। और प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने कहा, टाइम जो बताया वो ये कि सदैव जगत के अंत तक। और इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, हम उसके साथ रहें। और प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में कि वे मेरा मुंह देखेंगे, हम आमने सामने होंगे, ना कोई रोग होगा, ना कोई आंसू होंगे, ना कोई मृत्यु होगी, और युग युगान से युग युगान तक हम साथ रहेंगे। ये प्रभु की प्रतिज्ञा। और प्रभु ने कहा ये जो प्रभु की प्रतिज्ञा है वो जस उनके ऊपर उठाए जाने के पहले का वर्णन है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। प्रभु इसके बाद जो है वो स्वर्ग उठा लिए गए और चेले लोग इस प्रतिज्ञा को जो है थामे रहे, गठान के समान उन्होंने पकड़ लिया। और आज भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए साहसियों डरे नहीं, क्योंकि कोई और नहीं, दूसरे जैसा मैंने बोला सगे भी आपको छोड़ दें, आपके अपने छोड़ दें, लेकिन जो है यही बात मूसा ने यहोशू से कही, लोग छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे ऊपर, तेरे दाएं बाएं, सब जगह परमेश्वर। इसलिए मत घबरा, तेरा मन व्याकुल ना, जैसे संसार का जीवन है वैसे ही रहेंगे लेकिन सबसे अलग। और प्रभु बोलते हैं कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। और एक नहीं, कितनी जगह, कई किताबों में परमेश्वर ने ना सिर्फ पुराने नियम में, नए नियम में इस प्रॉमिस को कहा, इस प्रतिज्ञा को कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो। चाहे पुराना समय, चाहे वर्तमान समय, चाहे भविष्य का समय, मैं तुम्हारे साथ, इसलिए मत डरो। और देखिए हम भी यही बोलेंगे, नहीं डरे, दुनिया हमारा क्या बिगाड़ ले, पृथ्वी के अंत तक प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, पृथ्वी के अंत तक।
और देखिए आज 2000 साल बाद भी प्रभु की ये प्रतिज्ञा बिल्कुल अक्षर से अक्षर सही है, बिंदु सही है, मात्रा सही है। लोग छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं, लेकिन प्रभु अपने लोगों को नहीं छोड़ता कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में सदैव सदैव हमेशा के लिए। और इसलिए मत डरो, संसार तुम्हारा क्या कर सकता, मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच, तुम्हारा भूतकाल, तुम्हारा वर्तमान काल, तुम्हारा भविष्य काल भी मैं ही हूं। सो दोस्तों, इससे अच्छी बात हमारे जीवन में कुछ नहीं कि हमारा प्रभु हमसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे साथ में जगत के अंत तक। पीढ़ियां आई, लोग आए और चले भी गए, लेकिन हमारा प्रभु आज भी वैसे ही है जैसे वो आरंभ में था और आगे भी वैसे ही रहेगा जब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो, और उसके बाद तो हम आमने सामने होंगे, उसके बाद तो हम आमने सामने बैठेंगे, उसका मुंह देखेंगे, और जो जीवन होगा वो हमेशा 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 हमेशा। सो दोस्तों, इससे अच्छी बात और क्या चाहिए, इससे अच्छी बात क्या चाहिए। कई माँ बाप की ये शिकायत है कि बच्चे उनके साथ में उनकी केयर नहीं करते, कई बच्चों की ये शिकायत है कि उनके माँ बाप ने उनकी केयर नहीं करी। लेकिन जिसने नहीं त्यागा, किसने नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। बच्चे छोड़ जाए, माँ बाप छोड़ जाए, बुजुर्ग लोग छोड़ जाए, समाज छोड़ जाए, लेकिन कौन नहीं छोड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ हमेशा हमेशा जगत के अंत तक, और यदि हमारी मृत्यु हो जाए उसके पहले तक प्रभु हमारे साथ बने रहे। I am always with you. Fear not. मैं हमेशा तुम्हारे साथ। So, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपकी जो वाणी है, वो पत्थर की लकीर है प्रभु। इतने हजार सालों के बाद भी जो है वो धुंधली नहीं पड़ी, और आपने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, और प्रभु आज भी आपने हमें नहीं छोड़ा न त्यागा। कितनी बार हम गिरे प्रभु, कितनी बार हम अविश्वासियों के रहे, लेकिन आपने अपनी दया हम पर से नहीं हटाई। आपने हम हजार बार गिरे, आपने हमें हजारों बार उठ खड़ा कराया। सो प्रभु, अपने आप को आपके सामने झुकाते हैं, आपके चरणों में लेकर जाते हैं, हमारा जीवन प्रभु आपको ग्रहण योग्य, अब अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसा सौभाग्य प्रदान, क्योंकि सारा हम आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you.
May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.